hating this film or ignoring this film just because the original is a very good film is a completely wrong argument in this case. Hi guys, मैं हूं शांतनु और यार मेरे को एक बात बताओ, ये फूड व्लॉगर्स के झांग खुजा के बनाए हुए गोलगप्पे के पानी जैसी इंस्टाग्राम पे रीलों को देख के क्या खाली मेरे को ही खट्टी डकारे, तीखे पाद, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी में ब्लॉकेज और लिवर में पीलिया के सिम्टम हो रहे हैं? या तुम्हारा भी यही हाल है? बेचारा अंडे वाला दो अंडे का एक ऑमलेट बना रहा होता, इनको देख के साला उसी दो अंडे का ऑमलेट में आधा किलो अमूल बटर और पौना किलो साला मिर्ची डाल देता और फिर उसको बोलता है तहलका ऑमलेट। साला इसको खाने के बाद तहलका एक ही जगह होगा, खाने वाले के दिल में। और पता नहीं कहां पे वो रोहिणी मेनन ने राक्षस डिमरी पकड़ लिया, वो 150 रुपए में अनलिमिटेड काठी कबाब बेचता। भैया दिमाग खराब हो गया उसकी रीले देख के। वो इनको फुटेज देने के चक्कर में भैया कैमरे में ऐसे देख के बोलता 150 रुपए में आओ, इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, फुल खाओ, ये खाओ, खा के मर जाओ। भैया ठीक है भाई, 150 रुपए में तू हमें दे तो रहा है, पर जिस हिसाब से तू बोल रहा है ना भाई, रात को 150 बार ना तुम्हारी नींद खराब करेगा सपने में आके। और वो कुल्लड़ पिज्जा वाला कपल, भैया अंड संड कुछ भी भर के कुल्लड़ के अंदर स्माइल करके, कुल्लड़ पिज्जा है? हाँ भाई, तुमने ही पिज्जा बनाना, पिज्जा हटो, डोमिनोज वाले तो तुम्हारे को देख के कह रहे हैं भाई चलो ये पिज्जा बना रहे, तो हम अमृतसरी कुल्चे सेक लेते हैं और क्या करेंगे ना। मतलब अंडे बनाने वाले से पूछेंगे अंडे बनाते हो, राजमा चावल बनाने वाले से पूछेंगे राजमा चावल बनाते हो, बटर चिकन वाले से पूछेंगे बटर चिकन बनाते हो। अबे इतनी ऑब्वियस बातें पूछ रहे तो सलमान भाई से भी पूछ लो, हिरन मारा था ना। बट बहरहाल, अगर तुम्हारे को इनके ऊपर एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर देते जाना, और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो गाइस, इस पिक्चर का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि मैंने ओरिजिनल विक्रम वेधा अभी तक नहीं देखी है, इसीलिए ये रीमेड वर्जन मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह मैंने इसको देखा, तो मैं इस रिव्यू में इसका ओरिजिनल से कोई भी कंपैरिजन नहीं करूंगा। दूसरी बात यह कि काफी लोगों का यह मानना है कि विक्रम वेधा एज एन ओरिजिनल फिल्म हिंदी बेल्ट में ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और ऑलरेडी वाइड स्केल पे देखी जा चुकी है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो भैया जो इसके ओरिजिनल मेकर्स हैं वो खाली को हिंदी में डब करते और दिखा देते पूरा का पूरा। ये इनके लिए हिंदी में बनाना कभी फाइनेंशियली वायबल नहीं होता। आपने अपने सर्कल में काफी लोगों से सुना होगा कि भाई विक्रम वेधा जैसी एक फिनोमिनल फिल्म है साउथ की, बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि हिंदी बेल्ट में अभी भी बहुत सारी ऑडियंस इस फिल्म की कहानी से परिचित ही नहीं है। और तीसरी बात यह, इस पिक्चर को अगर यह बोल के रफा दफा कर दिया जाए, यह बोल के इग्नोर कर दिया जाए या फिर यह बोल के हेट दे दी जाए कि भैया ये तो एक टिपिकल बॉलीवुड रीमेक है, हमने तो इसको पहले ही देखा हुआ है एंड स्टफ लाइक दैट, तो भैया ये पिक्चर देखने के बाद मैं बोलूंगा कि अगर इस बेसिस पे हेट इसको देनी है तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो रिव्यू शुरू करते हैं विक्रम वेधा हिंदी रीमेक का। और इस पिक्चर को देखने के बाद ना मुझे एक ही चीज रियलाइज हुई कि दो तरह के डायरेक्टर होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। पहली तरीके के डायरेक्टर वो होते हैं जो भैया ओरिजिनल अपनी एक फिल्म बनाते हैं और वो सुपर हिट डिक्लेयर हो जाती है और फिर कोशिश करते हैं उसका रीमेक बनाने का, और जो घोड़ी बनाते हैं ओरिजिनल को अपनी क्रिएशन पे ही 150-200 किलो हक देते हैं, फॉर एग्जांपल डेविड धवन विद कुली नंबर 1। और दूसरे तरीके के डायरेक्टर वो होते हैं जो ऑलरेडी अपनी एक फिनोमिनल क्रिएशन को उठाते हैं, उसको कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज में बनाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट, जो रीमेड प्रोडक्ट बन के निकलता है वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि भैया देखो ऐसे बनाते हैं रीमेक। और इसका एग्जांपल है पुष्कर एंड गायत्री विद विक्रम वेधा हिंदी। हम अक्सर सोचते हैं कि हर कहानी के सिर्फ दो ही सिरे होते हैं, अच्छाई या बुराई। अब ये बात सबको पता है कि बॉलीवुड का रीमेक्स के साथ, स्पेशली साउथ की रीमेक्स के साथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। इन्होंने पिक्चरें उठाई हैं और अंडरसाइड कुछ भी पेला है, बट विद विक्रम वेधा टेक्निकली देखा जाए तो ये कंप्लीटली आउट एंड आउट बॉलीवुड रीमेक नहीं है। इस पिक्चर में बॉलीवुड के टू ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग टैलेंट्स को डायरेक्ट किया है पिक्चर के ओरिजिनल मेकर्स ने, यानी गायत्री और पुष्कर के डुओ ने, और यही चीज सी ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर देती है इस स्पेसिफिक रीमेक में। और जब तुम ये पिक्चर देखोगे ना, इट विल ब्लो यू अवे। ऑल्दो पिक्चर की कहानी ओरिजिनल विक्रम वेधा की कहानी जैसी है, सैफ एक पुलिस वाले होते हैं जो ऋतिक को यानी वेधा को पकड़ते हैं और वेधा उनको पकड़े जाने के बाद 3 कहानियां सुनाता है और पिक्चर वहीं से आगे बढ़ती है। बट अगर मेरी तरह आपने ये पिक्चर पहले कभी नहीं देखी और आपके लिए भी ये कहानी नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भैया पहले शॉट से आखिरी शॉट तक कहीं भी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम एक सेकंड के लिए भी बोर हो रहे हो या फिर कोई भी सीक्वेंस पिक्चर में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। क्या हर बुराई वाकई बुरी होती है, क्या हर अच्छाई वाकई अच्छी। पिक्चर एक्सट्रीमली टाइटली निट है, स्टोरी टेलिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट है और स्क्रीन प्ले फिनोमिनल तरीके से पैन आउट होता है थ्रू आउट द फिल्म। पिक्चर सेट है यूपी के अंदर और सैफ अली खान और उनकी टीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूनिट होते हैं यूपी पुलिस के। सबने डायलेक्ट हिंदी जिस तहजीब व तरीके से बोली जाती है यूपी में, सबने बहुत बढ़िया काम किया है, इंक्लूडिंग बोथ द लीड एक्टर्स। और साथ ही साथ जितनी भी लोकेशन जिन्होंने चूज करी है थ्रू आउट लखनऊ और कानपुर, भाई क्या काम किया यार, दिमाग लड़ा के। फालतू का CGI और VFX कहीं पे यूज नहीं करा गया कि भैया इनको
यहाँ खड़ा कर दो और पीछे से कुछ भी लगा देंगे, यूपी कानपुर का कोई भी मॉन्यूमेंटल चीज लगा देंगे बैकड्रॉप में, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी कॉर्नर्स कट नहीं करे गए, एक्चुअल दिमाग अप्लाई करा गया है। नाउ आई कंप्लीटली एग्री विद द फैक्ट कि ओरिजिनल पिक्चर में माधवन साहब और सेतुपति साहब ने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया होगा, बट जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था मैं कंपेयर नहीं करूंगा। और जब आप इस पिक्चर में सैफ और करियर की एक्टिंग देखोगे ना, द वे देयर कैरेक्टर्स प्ले आउट, द वे देयर कैरेक्टर्स आर एक्चुअली रिटन एंड द वे बोथ ऑफ देम एक्चुअली प्ले दोस कैरेक्टर्स, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी, इट विल ब्लो यू अवे भाई। फिनोमिनल काम किया है दोनों ने, और दोनों के मैं तो ये कहूंगा कि वन ऑफ द करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। अक्सर सच सही और झूठ गलत होता है, पर इस कहानी में सच और झूठ दोनों ही गलत है। अब इस पिक्चर में हर चीज ऑन द पॉइंट है, लेकिन काफी लोग इसको फिर भी हेट देंगे, उसके बारे में भी, उसका भी मेरे पास एक काउंटर है। लेकिन उससे पहले तो हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था, काफी लोग इसको फिर भी हेट देंगे, अच्छी खासी पिक्चर है, उसको फिर भी हेट देनी है और सिंपली ये बोले कि हे रीमेक है, ओरिजिनल देख लो। अरे भाई देख लेंगे ना ओरिजिनल, किसने मना किया, नहीं बहुत बढ़िया पिक्चर होगी यार, वो भी देख लेंगे, लेकिन हिंदी डब देखने में वो मजा नहीं आता जो एक्चुअल हिंदी वाली पिक्चर देखने में मजा आता है। एंड व्हाई यू शुड नॉट वॉच इट, दिस इज अ फिनोमिनल फिल्म। इनफैक्ट मैंने ये इस साल की सबसे बढ़िया बॉलीवुड फिल्म देखी होगी यार, मतलब टॉप 3 में तो ये इजिली है ही है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म इज कि इस पिक्चर टिपिकल बॉलीवुड रीमेक वाले एलिमेंट्स ही नहीं डाले गए। डायरेक्टर्स मेड इट अ पॉइंट कि भैया ना इसमें नंगे हीरो होंगे, ना इसमें बेफजूल की सुंदर हीरोइनें होंगी जो छोटी स्कर्ट या छोटे बिल्लाउज पहन के खामा खा के गाने गाएंगी, और ना ही इसमें कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। एवरीथिंग वॉज टू द पॉइंट एंड वेरी वेरी रियलिस्टिकली शॉट। सैफ तुम्हें लगेगा कोई लीन नहीं है, वो उसका हल्का सा पेट निकला हुआ, थोड़ा सा नीचे से वो हैवी दिख रहा है पूरी पिक्चर में, विच मेक्स हिम अ परफेक्ट फिट कि भैया यूपी पुलिस का वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो कोई भैया रोज जिम जाने वाला लौंडा नहीं है जो डोले दिखाने आया है पिक्चर में। और ये पिक्चर ना ही कोई डोले दिखाने वाली है टिपिकल बॉलीवुड रीमेक की तरह, भाई नंगा कर दो, शर्ट फाड़ दो एंड स्टफ लाइक दैट। सेम गोज फॉर रितिक्स कैरेक्टर एज वेल, कहीं पे भी कोई टी-शर्ट नहीं उतरती, कहीं के पे भी कोई फालतू बॉडी का शो ऑफ नहीं है टिपिकल बॉलीवुड सेंसिबिलिटीज को लेके, कहीं भी तुम्हारे को ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा ही बेल्स एंड व्हिसल्स है और निकल के कुछ नहीं आ रहा है। पिक्चर में रितिक और सैफ के जितने भी आमने सामने वाले शॉट हैं, गुड वर्सेस इविल वाले शॉट हैं, या फिर सैफ को जहां पे रितिक कहानी सुना रहा है वो वाले शॉट हैं, क्या इंटेंसिटी यार उन शॉट्स की। राधिका आप्टे सैफ की वाइफ प्ले करती हैं और ज्यादा लंबा चौड़ा रोल नहीं है इनका पिक्चर में, बट द थिंग दैट आई लव्ड इज कि यहां पे भी बॉलीवुड की तरह हर चीज को ओवर ग्लैमराइज नहीं किया हुआ औरतों को लेके पिक्चर में। सबसे आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग कास्ट मेंबर थे शारिब हाशमी, जो एक काफी मॉन्यूमेंटल रोल प्ले करते हैं पिक्चर के अंदर में। अगर इस पिक्चर का टिपिकल बॉलीवुड रीमेक होता ना, तो सैफ वाले कैरेक्टर को लंपट पुलिस वाला बना देते, जैसे सिंघम में बना देते हैं सुपर कॉप बोल के कुछ भी मस्खरी करा रहे हैं उससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू वुड लव How Saif's character is so staunch in the film. Ritik ने जो एक्टिंग करी है यार, आंखों से दहशत, जब वेदा का नाम लिया जाता है और वेदा वॉक इन करता है, इसकी एंट्री और एक दो सीन और हैं जहां पे आंखें बोल रही हैं बस पूरे सीन में रितिक की, एंड इट विल ब्लो यू अवे मैन, फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ रितिक। बैकग्राउंड म्यूजिक, डायरेक्शन और फिनोमिनल एक्टिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है आउटस्टैंडिंग सिनेमेटोग्राफी। कोई भी कलर आपको ऑफ पुटिंग लगेगा ही नहीं, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी नरेशन चल रही है, जितने भी कलर्स हैं, लाइटिंग का कितनी जबरदस्त तरीके से यूज करा गया है पिक्चर के अंदर, एवरीथिंग बिल्ड्स एंड कंटिन्यूज द एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द फिल्म। एज ऑफ योर सीट ये पिक्चर आपको रखेगी लास्ट तक। हेटिंग दिस फिल्म और इग्नोरिंग दिस फिल्म जस्ट बिकॉज द ओरिजिनल इज अ वेरी गुड फिल्म इज अ कंप्लीटली रॉन्ग आर्ग्यूमेंट इन दिस केस। पिक्चर में फालतू की गाली गलोच नहीं है, फालतू का ड्रामा नहीं है, फालतू की ग्लैमराइजेशन नहीं है, फालतू के गाने नहीं है, फालतू के एक्शन स्टंट्स नहीं है। इज दिस नॉट एक्चुअली व्हाट वी वांट टू सी इन बॉलीवुड? तो भैया 100 बातों की एक बात, अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी इसको जाके थिएटर पे देखो, एक एक रुपया आपका वसूल होगा। और जिन लोगों ने ओरिजिनल देखी हुई है मैं आपको फिर भी कहूंगा जाके देखो, लेकिन अगर नहीं देखनी तो बार बार ये मत बोलो कि भैया ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल ये है, सेतुपति भाई साहब की एक्टिंग वैसी है, माधवन की एक्टिंग वैसी है, यार उनकी बड़ी लेजेंडरी परफॉर्मेंस होगी, बट जस्ट इग्नोरिंग दिस मूवी बेस्ड ऑन दैट आर्ग्यूमेंट, मेरे को नहीं लगता ये एक सही चीज है करने के लिए। वी शुड एक्चुअली गिव दिस मूवी अ चांस एंड गो टू द थिएटर्स एंड वॉच इट। अगला रिव्यू कल आएगा PS1 का, PS1 में जाके देखूंगा अब। और यार फिर से वही वाली बात मत करना कि भाई PS1 इस पिक्चर को खा जाएगी या ये है या वो है। ये पिक्चर स्टैंड अलोन बहुत बढ़िया है, आई होप सो। PS1 का 500 करोड़ का बजट है, वो भी काफी बढ़िया होगी। ऐश्वर्या राय बच्चन को हमने बहुत समय से बड़ी स्क्रीन पर नहीं देखा, वो देखने को मिलेगा। बाकी उस पिक्चर की भी स्टारकास्ट काफी उमदा है, देखते हैं वो पिक्चर कैसी होगी, अगले रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी बाय बाय, पैंट से हाथ निकाल लो बेटा, अच्छे कामों में ध्यान दे लो, बर्बाद हो जाओगे। बाय बाय।